हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। तो सोशलाइजर में आज हम आपको एक स्टडी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी रिसेंटली पास हुई और जिसके बारे में इंटरनेट पे कई सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। एंड इसमें बोला गया है कि अगर हम सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन को थोड़ा लेट कर देते हैं तो उससे ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, ऑलमोस्ट 300 टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, एंड इससे वैक्सीन लगाने की एफिकेसी जो होती है वो और बढ़ जाती है। तो क्या ये सही है या फिर ये गलत है, ये क्या है पूरी न्यूज़, इसके बारे में जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो रेडी रेफरेंस के लिए ये है आर्टिकल ब्लूमबर्ग का, जिसमें बोला गया है कि डिलेड सेकेंड डोज टर्न्स इनटू अ विन फॉर वैक्सीन स्टाफ प्लेसेस। तो देखिए, जैसे कि हम लोग को पता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जैसे इंडिया हो गई और सिंगापुर और कुछ और भी कंट्रीज जिन्होंने सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन को थोड़ा लेट कर दिया, और इसका एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न तो ये बोला जा रहा था कि क्योंकि वैक्सीनेशन उतनी तेज लेवल पे हो नहीं पा रहे थे, वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए उन्होंने थोड़ा टाइम लिमिट को ही बढ़ा दिया जिससे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। अब देखिए, जब स्टार्टिंग में ये सब किया गया तो वहाँ पर कई लोगों ने क्वेश्चंस उठाए कि क्या एक सूटेबल फ्रेम के अंतर्गत ना रखकर वैक्सीन की टाइम लिमिट को बढ़ा देना चाहिए, क्या ये सही है। तो लगभग बहुत दिनों बाद हमें एक सूटेबल रिसर्च की, कहा जा रहा है कि एक स्टडी आ गई है जो ये बता रही है कि शायद ये सही है और जो स्टेप्स लिए गए हैं ये सही कर रही है कंट्रीज, और इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक तरफ वैक्सीनेशन भी बढ़ जाएगा और एफिकेसी भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो देखिए, इस जो स्टडी की गई है इसमें साफ साफ बोला गया कि जब हम किसी वैक्सीनेशन को थोड़ा लेट कर देते हैं तो जो इम्यून सिस्टम होता है वो पहली डोज के बाद उसको और टाइम मिलता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। मतलब ये अगर आप टाइम फ्रेम बढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम वो लेगा रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो अच्छे से अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा, और फिर जब सूटेबल सेकेंड डोज दिया जाएगा तो फिर उससे और अच्छी एफिकेसी मिल सकती है। ये बेसिक यहाँ पर रिसर्च के द्वारा बताया गया है। एंड नाउ ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जो स्टडी है क्या ये सच में ऑथेंटिक है। तो आपको बता दें कि बहुत ही ऑथेंटिक स्टडी है ये। यहाँ पर ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन मिलकर और कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी, जिसको US नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट फंडिंग करता है, इन दोनों ने मिलकर इसकी इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो सच में एक ऑथेंटिक रिपोर्ट कही जा सकती है। इस रिसर्च को बर्मिंघम UK में दिसंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच में किया गया, और इसमें लगभग 172 पीपल इन्वॉल्व थे और जो हर एज लिमिट से आते हैं। सो नाउ क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इंडिया को कुछ फ़ायदा देने वाला है। तो जो रिसर्च की गई है उसमें ये बताया गया है कि जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं ये हर एक वैक्सीन को काम करते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर वैक्सीन की बात नहीं की जा रही है, हर एक तरह की वैक्सीन की इसमें बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो दो वैक्सीन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड इसमें भी लागू होगी, और यहाँ पर भी अगर आप फ्रेम बढ़ाते हैं तो एफिकेसी बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस रिसर्च में जो मेन चीज़ यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि लगातार चेंज होते वेरिएंट्स में ये हो सकता है कि एफिकेसी ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि वायरस जो है वो लगातार चेंज कर रहा है, और वो वैक्सीन्स जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रही है विद द टाइम विद द वायरस, उनके केस में शायद ये जो डेटा आ रहे हैं वो सही ना हो। सो ऑल इन ऑल देखें तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, एंड वी होप कि आने वाले समय में सभी कंट्रीज को इससे फ़ायदा हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।